So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. अब आप लोग सोचोगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ा, दैट वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, जिसके अंदर दो कॉम्पोनेंट थे. सो यू आर राइट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाय सिंपली मीन्स टू. सो देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी बाइनोमियल नेम. जो पहला कॉम्पोनेंट होता है वो होता है आपका जीनस, and the second component is going to be your species. Similarly, जब आप trinomial nomenclature की बात करते हो so इसके तीन अलग अलग components होते हैं. The very first component is going to be genus again, just like binomial nomenclature. Second component is going to be species again, just like binomial nomenclature. लेकिन species के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और आपका additional चीज आ जाती है जिसे आप लोग कहते हैं sub species. Okay? And this subspecies word is used specifically for the animals. So animals में आप लोग subspecies को introduce कर देते हो और plants में आप लोग जो है basically यहाँ पर variety को introduce कर देते हो. So in trinomial nomenclature आपके तीन components होंगे, that is genus, species और third component जो होगा वो आपका होगा subspecies या फिर आपका variety in case of plants. So, पढ़ते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा विवाद है. आपके कोचिंग मॉड्यूल्स में आंसर अलग दिया रहता है जो कि यूजुअली गलत है, और आपके दूसरे जो इंटरनेट सोर्सेज हैं उन पे सही आंसर दिया रहता है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है. सो गाइज, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड. इफ यू वॉन्ट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं. Unacademy लर्निंग ऐप के थ्रू भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं. बट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे पैक स्क्रीन पर दिख जाएंगे. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ से एक साल या दो साल का पैक जो है वो ऑप्ट करें, बिकॉज ये पैकेजेस आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, या फिर किसी ऐसे जूनियर को जो कि इसे यू नो बेसिकली खरीदना चाहता है आपसे, तो वो भी ले सकता है. आप लोग यहाँ पर रेफरल कोड अगर विपिन डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको मेरा 1 ईयर ऑफ एनरोलमेंट मिल जाएगा मेंटोरशिप के लिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन. सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से 60+ टीचर्स के साथ लाइव पढ़ाई करके, तो विपिन कोड को जरूर यूज करिए और अनअकैडमी के साथ जुड़िए. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ट्राई का मतलब होता है तीन, एंड नोमियल सिंपली मींस नेम. ओके, एंड नोमेनक्लेचर सिंपली मींस द प्रोसीजर ऑफ गिविंग द नेम. सो यहां पर ये जो आपका यू नो तिगड़म है ये हक्सली और स्ट्रिकलैंड ने दिया था, लेकिन काफी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये लेमार्क ने दिया था. तो लेमार्क साहब ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं दिया था, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, काफी बुक में लिखा रहता है, काफी मॉड्यूल्स में भी ये लिखा हुआ है, बट इट इज गिवन बाय हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड. तो आपको ये दो नाम याद करने हैं. लेमार्क साहब ने इसका यूटिलाइजेशन किया था थोड़े बहुत यू नो पर्टिकुलर नामों में, लेकिन इट वॉज नॉट पेटेंटेड बाय लेमार्क, सो इनका नाम जो है यहाँ पर नहीं आता. यहाँ पर तीन नाम आप लोग यूज करते हैं, इसलिए इसे ट्राइनोमियल बोला गया. पहली चीज आपकी जीनस होती है, दूसरा आपका स्पीसीज, और तीसरा आपका सब स्पीसीज विच इज प्रेजेंट इन जूलॉजिकल लिटरेचर, यानी ये एनिमल्स का नाम रखते टाइम आप लोग यूटिलाइज करेंगे. एंड द थर्ड पार्ट इज वराइटी इन केस ऑफ बोटेनिकल लिटरेचर, या फिर प्लांट का नाम रखते टाइम आप वराइटी को यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि कॉर्वस, यानी कि आपका कौआ. सो कौए का नाम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. इसको मैं इटैलिसाइज करना भूल गया, लेकिन आप ये गलती ना करें. ओके, सो आप इनको इटैलिक्स में लिखते हो हमेशा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, इसीलिए मैंने इन्हें अब अंडरलाइन कर दिया है, समझ लो मैंने हैंड रिटन लिखा है. ओके, सो ये जो है आपके इंडियन क्रो का नाम है. कॉर्वस इज द जीनस, स्प्लेंडेंस इज द स्पीसीज, एंड स्प्लेंडेंस इज द सब स्पीसीज एज वेल. इसकी स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम होती है. सब स्पीसीज इसीलिए बर्ड यूज किया क्योंकि क्रो आपका एनिमल है, एक बर्ड है, आप सबको पता है. ब्रैसिका यानी आपकी गोभी, ब्रैसिका ऑलरेशिया कैपिटेटा. ओके, सो ऑलरेशिया इज द स्पीसीज एंड कैपिटेटा इज द वेराइटी. ये आपका वैरायटी है, सो इसके आगे कई बार आपको प्रीफिक्स VAR भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब वैरायटी होता है. सो यहां पर कैपिटेटा का मतलब आपका वैरायटी है, ना कि सब स्पीसीज. तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज कैपिटेटा इन दिस पर्टिकुलर केस.
जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज या फिर वैरायटी, तो आप फटाफट इस ऑप्शन पर क्लिक करिए और चार नंबर प्राप्त कीजिए मात्र 10 सेकंड में। देन गोरिला, 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 ये आपके टोटोनिम का एग्जांपल था। यहाँ पे जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज सबका सब सेम होता है, गोरिला का साइंटिफिक नाम ही यही है। ओके, तो यहाँ पर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। कैनिस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कैनिस का एग्जाम्पल ले रहे हो, सो बेसिकली यहाँ पर डॉग का एग्जाम्पल है। सो कैनिस इज द जेनेरिक नेम, ल्यूपस इज द स्पेसिफिक नेम, एंड फेमिलियरिस इज द सब फैमिली। ओके, और प्लांट के केस में यहाँ पर आप इसे वैरायटी भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, गिवन बाय होम, गिवन बाय हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड, नॉट बाय लेमार्क। ये बात दिमाग में ध्यान रखनी है। ऑलराइट गाइज, सो इफ यू गॉट टू नो अबाउट द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वेरी वेल, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक अन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन कोड का यूज करें और एडिशनल पर्क्स का भी लाभ उठाएं और हमारे साथ जमकर पढ़ाई करें और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।